बिहार के कटिहार से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने गोली चलाई है। खबरों के मुताबिक पुलिस ने हवाई फायरिंग की थी, लेकिन इस दौरान कथित तौर पर गोली तीन लोगों को लग गई। इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो घायल बताए जा रहे हैं। खबरों के अनुसार भीड़ जब अनियंत्रित हुई तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया था। कथित तौर पर इस दौरान पुलिस ने गोली भी चला दी थी। इनमें से तीन लोगों को गोली लग गई, एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया तो दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के गोली चलाने के बाद भीड़ भी भड़क उठी। भीड़ ने तोड़फोड़ की थी और साथ ही सड़कों पर आगजनी करते हुए अपना विरोध जताया था। बताया जा रहा है कि अभी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस पर भाजपा नेता ने नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में पूरी तरह से राजनीति को अस्थिरता और प्रशासनिक अराजकता के कारण सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर लाठियां और गोलियां मिल रही है।